हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आविद्री अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस प्रकार बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम फॉर्म को फिल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टार्ट लिंक इंटरनेशनल डेबिट सा एटीएम कार्ड के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर स्टार्ट लिंक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड और एटीएम कार्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे शाखा मीन्स होता है चिकुंडा ब्रांच, जहाँ पे आपकी ब्रांच है, जिस अकाउंट में आपका ब्रांच है वहाँ ब्रांच का नेम सबसे पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम लिखा हुआ, नेम में सर्ट नेम है, प्रथम नेम है मतलब फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम है। तो मेरा नाम है आबिद अली अंसारी, तो मैंने यहाँ पे आबिद भर दिया, अली भर दिया और अंसारी भर दिया। ठीक है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर नहीं ऐसा करना तो डायरेक्ट भी से आबिद अली अंसारी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, जैसे मैं रहता हूँ चार्ट पोट्री पीओ चिरकुंडा डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, ये मेरा पिन कोड है, मैंने पिन कोड कर दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वही इनपुट करना है जो आपका ऑफिशियल हो या फिर जो हमेशा आपके पास रहता हो, कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें मतलब ATM से पैसे निकालें या फिर बैंक में जाके पैसा जमा करें तो इस नंबर पर आपका मैसेज आएगा दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि ये ऑन रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ईमेल का। ईमेल देना जरूरी है, नहीं भी है, ठीक है, आप अगर देना चाहते हैं आपका बना हुआ ईमेल आईडी तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ ब्रांच। ब्रांच मीन्स होता है जहाँ पे आपका खाता है उस जगह का नाम। तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ चिरकुंडा, आपका जो ब्रांच नेम है ब्रांच नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ खाते का प्रकार, मतलब होता है टाइप। खाते का टाइप क्या है, SB है, CC है या फिर और अदर बैंक अकाउंट है। तो SB मतलब होता है सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेविंग है तो सेविंग बैंक अकाउंट में क्लिक कर दिए हम लोग। उसके बाद आते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है आपको। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। उसके बाद एक खाता खुलने की तारीख, डेट ओपन, जिस डेट पर खाता खुला हुआ आप पासबुक से देख के लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं खाते का प्रकार, बचत चालू OD टाइप, SB CD OD मतलब किस प्रकार का आपका खाता है। तो SB मतलब मैंने पहले ही बताया सेविंग बैंक अकाउंट। आप कौन सा लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, आप कौन सा लैंग्वेज, बंगाली है, गुजराती है, गुरुमुखी है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, तमिल है या तेलुगु है। ठीक है, आप जो करना चाहते हैं हिंदी के अतिरिक्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लड़का है तो करता हूँ, लड़की है तो करती हूँ। ठीक है, अगर लड़का रहेगा तो करती हूँ काटेगा, लड़की रहेगी तो करता हूँ काटेगी, ये कट करके ये सब चीज़ क्लियर कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिट, जिस डेट पे आप ATM कार्ड को सबमिट कीजिएगा बैंक मैनेजर को या बैंक क्लर्क को या बैंक PO को, यहाँ पर डेट दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हस्ताक्षर, जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्नेचर, जो कि इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ये सिग्नेचर वेरीफाई हो जाएगा जो बैंक का स्टाफ करेगा, ये बैंक का स्टाफ का वेरिफिकेशन करने के बाद ही ATM को पास कर दिया जाएगा। और ये ATM आपका 20 से 22 दिनों के अंदर आपके पोस्ट के जरिए आपके घर पर पहुँच जाएगा दोस्तों। ठीक है, 22 दिन ऐसे बोलता है, पर 15 डेज के अंतर्गत ये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो चैनल है वो चैनल जो है वो जॉब रिगार्डिंग बनता है, टेक वीडियो बनाता हूँ मैं और मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।